राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का इस सभागार में स्वागत है। मैं अपनी बात एक मिनट में खत्म करके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के स्वागत में, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमें कार्यक्रम हो जाने नहीं, अभी जो निकल रहा हूँ 9:30 बजे आ जाऊँ, 10:30 बजे आ जाऊँ। मैं अध्यक्ष जी से, माननीय नितिन गडकरी जी से अनुरोध करता हूँ कि भारत माता के चित्र पर दीप प्रज्वलित करें। 7 बजे साथ में सभी अतिथि, अविनाश राय खन्ना जी, विनय शरद बुद्धे जी, अरुण भगत जी, निर्मला सीतारमण जी और माननीय मदनलाल खुराना जी, कृपया बाकी लोग मंच से नीचे हो जाएं। माननीय अध्यक्ष जी भारत माता पूजन करते हुए, जोरदार तालियां। इसके बाद वंदे मातरम का कार्यक्रम होगा। वंदे मातरम के लिए मैं बच्ची को बुलाना चाहूंगा मंच पर। वंदे मातरम का कार्यक्रम, वंदे मातरम। नमरत माता की जय। माननीय श्री नितिन गडकरी जी पधार चुके हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत की कड़ी में श्री सुधीर अग्रवाल, एक ही रंग की कैसी कैसी। श्री SB सिन्हा जो के पूर्व SP CBI हैं, उनका पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत करेंगे। डॉक्टर अभिलाषा शर्मा, विवेक गोयल जी, श्री अविनाश राय खन्ना जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का स्वागत करेंगे। श्री महेश चड्डा जी जी का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत करेंगे। जो के दिल्ली पुलिस के कमिश्नर रहे, जिनको बहुत सारा अनुभव है, उनको आमंत्रित करता हूं से शेयर करें। श्री और मैं माननीय अध्यक्ष जी से प्रार्थना करूंगा, आए और अपना संबोधन दें। माननीय अध्यक्ष जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय अरुण भगत जी, इस सेल के प्रमुख श्री सुधीर अग्रवाल जी, इसके प्रभारी अविनाश राय खन्ना जी, मेरे सहकारी श्री विनेश शस्त्रबुद्धे, हमारी स्पोक्स पर्सन माननीय निर्मला सीतारमण जी और उपस्थित सभी भाई और बहनों, मुझे बहुत खुशी है कि ह्यूमन राइट्स सेल का आज अच्छे प्रकार से इस कार्यक्रम के निमित्त कार्य की शुरुआत हुई है। आप सबको पता है कि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और लोकतंत्र हमारा आत्मा है, और लोकतंत्र में स्वाभाविक रूप से
लोकतांत्रिक अधिकारों का रक्षण करना ये हमारे सबका परम कर्तव्य है। विशेष रूप से जो समाज के शोषित पीड़ित व्यक्ति है, असहाय है, शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, महिला है, इनके ऊपर जब सोशो इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन होता है, अन्याय होता है, नहीं उन्हीं को भी वो भी करूँगा, और उनके साथ जब न्याय देने के लिए, उनके लिए संघर्ष करने के लिए हमको आगे आना चाहिए। आज ऐसी बहुत सी घटना है कि बड़े प्रमाण पर 10 लाख से ज़्यादा किसानों ने आत्महत्या की है, और आत्महत्या के कारण भी यही है कि जो मिनिमम उनकी आवश्यकता है, जो पूरी करने की सरकार की जिम्मेदारी है, वो पूरी नहीं होती। अनेक जगह पर आज स्थिति ऐसी है कि जहाँ तक आज ही मैंने पढ़ा कि हरियाणा में एक जगह पर छड़ा हुए गेहूं का जो लिलाव हुआ, ऑक्शन किया गया, उसकी पर केजी प्राइस 95 पैसा पर केजी आई, जबकि हमारे देश में कितने भूखे कंगाल लोग हैं जो एक समय की रोटी नहीं खा सकते हैं, और 58,000 करोड़ का अनाज हमारे यहाँ सड़ता है। हमारे सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश देने के बाद में भी हमारी सरकार भूखे कंगाल लोगों को रोटी से, बेचारे एक रोटी नहीं खा सकते, उनको अनाज बांटने के लिए तैयार नहीं है, पर करोड़ों का अनाज सड़ जाता है और बेचारे गरीब लोग भूखे मर जाते हैं। आज किसानों की अवस्था यही है। अनेक जगह पर हमारे ट्राइब सेक्टर में मैल न्यूट्रिशन के कारण जन्म हो गया ऐसे बच्चे जो है, उनकी हालत, आवश्यक हेल्थ की जो सर्विसेज है जो प्रोवाइड करनी चाहिए, वो हम नहीं कर सकते। आज बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि हमारे सोयाबीन, हमारे यहाँ बड़ा उत्पादन होता है, उसकी जो केक है उसमें 49% प्रोटीन्स है, और पूरी सोयाबीन की केक हम एक्सपोर्ट करते हैं, क्योंकि विशेष रूप से विदेशों में जो सफ़ेद रंग के सुअर है, जिनका मांस जो है वो लोकप्रिय है, इसलिए वो और मोटे बने, तगड़े बने, इसलिए हमारे देश की सोयाबीन की केक एक्सपोर्ट की जाती है, उससे डॉलर मिलाते हैं। अब हमारे देश की ट्राइबल सेक्टर में ऐसी लाखों करोड़ों जनता है कि जिनको न्यूट्रिशियस फूड तो छोड़ो, जिनको एक समय का खाना भी नहीं मिलता, और हमारा ये 49% प्रोटीन्स जिसमें है, ये हम लोग जानवरों के लिए देश के बाहर भेजते हैं। विशेष रूप से महिलाओं के अत्याचारों की भी अनेक घटनाएं हैं। परिस्थिति के कारण शरीर विक्रय करने की समय जिन महिलाओं पर आता है, उनकी हालत बहुत ख़राब है, और उनके ऊपर भी अनेक बार एक्सप्लॉयटेशन होता है, अन्याय होता है, अत्याचार होता है। अनेक जगह पर विशेष रूप से जो मेडिकल सर्विसेज जो है, उसकी लापरवाही के कारण अनेक बार गरीबों की मृत्यु तक हो जाती है, पर उनको कोई नहीं पूछता। मुझे लगता है कि ये बात जो है, ये कोई पाश्चात्य विचारों से आई है, ऐसा मुझे नहीं लगता। मुझे इस बात की खुशी और अभिमान इस बात का है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने हमारे को जो अंत्योदय का विचार दर्शन दिया है, उसमें यही कहा है कि समाज का जो शोषित पीड़ित व्यक्ति है, जो दलित है, असहाय है, और समाज के आखिरी सीढ़ी पर जो खड़ा है, जिसको खाने के लिए रोटी नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, उसको भगवान मानकर हम उसकी निरंतर सेवा करते रहे, और जिस दिन उस व्यक्ति को रोटी, कपड़ा और मकान मिलेगा, उस दिन हमारा कार्य पूरा होगा, ऐसा हम समझेंगे। मुझे लगता है ये अंत्योदय का विचार, ये हमारे पार्टी के लिए और हम सब के लिए बहुत आदर्शवत विचार है। हमारे प्रेरणा स्त्रोत्र नानाजी, स्वर्गीय नानाजी देशमुख, इन्होंने किए हुए कार्य को देखने का मौका मुझे मिला। चित्रकूट के 900 गांवों में उन्होंने एजुकेशन, हेल्थ और लोगों का प्रशिक्षण, प्रबोधन, इस क्षेत्र में इतना बड़ा काम किया है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में वाटर लेवल बढ़ गई है वाटर कंजर्वेशन के कारण, तो दूसरी ओर वहाँ का सोशो इकोनॉमिक सिनेरियो भी बदल गया है, शिक्षा का प्रसार भी हुआ है, और महिला भी सशक्तिकरण के नाते आज समाज के बराबरी में वहाँ काम कर रही है। एक पिछड़े हुए बैकवर्ड एरिया में
अंत्योदय के विचारों से प्रेरणा लेकर नाना जी ने किया हुआ काम मुझे लगता है कि एक प्रकार से हम सब के लिए एक मिसाल है। और ऐसे अनेक प्रकल्पों में काम करने से जो आनंद मिलता है वो बहुत बड़ा है। मैं भी राजनीति कम करता हूँ और ऐसे कामों में मैं ज़्यादा इंटरेस्ट लेता हूँ। मैं भी ऐसे अनेक प्रकल्पों में काम कर रहा हूँ और काम करते करते उससे जो समाधान मिलता है वो बहुत बड़ा है। मुझे याद है कि विशेष रूप से ऐसे गरीब लोग हैं, कुल नागपुर में 15 दिन पहले एक घटना हुई कि मैंने कम से कम 1350 लोगों के हार्ट के ऑपरेशंस एक जीवनदायी योजना में फ्री ऑफ चार्ज करके दिए। एक 7 महीने की लड़की लेकर एक परिवार मेरे पास आया और उसको हृदय में उस लड़की को छेद था, उसका ऑपरेशन करना था। गवर्नमेंट के डायरेक्टर को मैंने कहा, उन्होंने उसके लिए 1.5 लाख रुपये गवर्नमेंट एक मुश्त देती है, उसके 70,000 रुपये मंजूर हुए। मैंने कोशिश की और वो पैसे या ऑपरेशन सरकारी अस्पताल में नहीं हो सकता, इसलिए प्राइवेट डॉक्टर के पास जो अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट उनके पास भेजा, पर गवर्नमेंट में निग्लिजेंस किया। और मुझे बड़ा दुख हुआ कि मैं दिल्ली से नागपुर पहुंचने के पहले उस लड़की का मृत्यु हो गया। और फिर मैंने पत्रकार परिषद बुलाई, पत्रकारों को लगा कि मैं कोई बहुत बड़े विषय के लिए बोला, कोई नागपुर में कोई पत्रकार परिषद मैं ली नहीं। जब मैंने ये बात बताई कि गवर्नमेंट की योजनाओं में त्रुटियों के कारण गरीब लोगों की हालत कैसी बनी है, आज हार्ट के ऑपरेशन के लिए उनको वो मरने के कगार पर खड़े हैं। और फिर मैंने वहाँ चीफ सेक्रेटरी उस दिन नागपुर आए थे, उनको बुलाया घर पर और मैंने कहा कि ये डॉक्टर के खिलाफ आप 302 लगाइए, ये निग्लिजेंस है इनका, नहीं तो इसकी मैं तकरार करूँगा। ये बेचारी असहाय गरीब रिक्शा वाले की लड़की 7 महीने की, इसका कोई वाली नहीं और इसका ऑपरेशन नहीं हो पाया, बेचारी मर गई, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? कभी कभी हमारी प्रशासन व्यवस्था की जो संवेदनशीलता है वो समाप्त हुई है। और इसलिए हेल्थ जैसे सेक्टर में भी जो सर्विसेज मिलाना हमारा अधिकार है वो भी हमको नहीं मिलती। न्याय व्यवस्था में भी आज की स्थिति इसके बारे में चिंतित करने वाली है। बहुत से बार न्यायालय की पद्धति में गरीब व्यक्ति को न्याय नहीं मिल पाता और अनेक बार न्याय मिलाने के लिए भी जो लड़ना पड़ता है उसकी ताकत भी उसके पास नहीं होती। और ऐसे स्थिति में इन समाज की असहाय लोगों के लिए, उनके मानव अधिकार का रक्षण करने के लिए आगे आने के लिए कुछ NGOs की, कुछ जागरूक संवेदनशील लोकतंत्र पर विश्वास रखने वाले कार्यकर्ताओं की आवश्यकता है। और मैं मानता हूँ कि अनिल जी से मैं प्रार्थना करूँगा कि इस प्रकार के उन लोगों को न्याय देने के लिए, उनसे संघर्ष करने के लिए ये ह्यूमन राइट्स सेल प्रभावी रूप से काम करेगा। एक प्रार्थना मैं करना चाहता हूँ, आज दुर्भाग्यवश कभी कभी इस बात का मुझे दुख होता है कि इसका उपयोग फायदा लेने के लिए कौन आ रहे, तो आतंकवादी और अलगाववादी लोग इसका उपयोग करके आगे आ रहे हैं। क्या इस देश में आतंकवादी और अलगाववादी टेररिस्ट लोग ह्यूमन राइट्स का अधिकार लेकर हमारे प्रशासन को, हमारी पुलिस व्यवस्था को ब्लैकमेल करेंगे? क्या हमारे यहाँ के कुछ लोग जो बड़े बड़े पुरस्कार जिनको मिले हैं वो आकर डायरेक्टली हमारे देश के हित में न हो ऐसी बात करने का धाड़स बनाए, आतंकवादियों की सराहना करें? हमको अधिकार जरूर मिले हैं, स्वातंत्र जरूर मिला है, फ्रीडम ऑफ स्पीच जरूर है, पर फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये नहीं है कि देश की एकता अखंडता के बजाय हम हमारे विरोधी राष्ट्रों के प्रति भी एक नरम रुख अपनाकर उनकी तारीफ करें और हमारे देश को तोड़ने की बात करने वाले लोगों को मानव अधिकार का कैसा उनको उपयोग होगा इस प्रकार की बात सोचे तो मुझे लगता है कि ये भी बात बहुत गलत होगी। और इसलिए मैं एक प्रार्थना ये करूँगा कि इसकी प्रतिमा भी कम से कम खराब हुई है, तो मुझे आप सब लोगों से प्रार्थना करनी है और मैं हमारे संयोजक की बात के ये कहूँगा कि एक तरफ जो शोषित है, पीड़ित है, महिला है, वनवासी है, किसान है, हेल्थ सर्विसेज में एक्सप्लॉयटेशन हुआ ऐसे लोग हैं, उनको न्याय देना, इसके लिए संघर्ष करना ये तो जरूर करना ही चाहिए, पर उसके साथ साथ आतंकवादी और अलगाववादी लोग जो इसका उपयोग करके डिसएडवांटेज लेना चाहते हैं इस बात का, उनको भी रोकना चाहिए, उनका विरोध करना चाहिए। ये ह्यूमन राइट्स जो है उनके लिए नहीं है जो देश में आतंकवाद का आधार लेकर और इस देश की समाज व्यवस्था को और लोकतांत्रिक व्यवस्था को उखाड़ कर फेंकना चाहते हैं, उनको काय का मानव अधिकार का संरक्षण मिलना चाहिए? ये बात बहुत गलत होगी।
और इसलिए टीवी पर मैं जब कुछ बातें सुनता हूँ, अखबार में ऐसे लेख पढ़ता हूँ, परिसंवाद में ऐसे विद्वान लोगों की बातें जब सुनता हूँ, तो एक देशभक्त नागरिक के नाते मेरे मन में बहुत वेदना होती है। मुझे लगता है हम जरूर डेमोक्रेटिक कंट्री है, फ्रीडम ऑफ स्पीच हमारे पास जरूर है, सबके अधिकारों का हम रक्षण करेंगे, पर इसका मतलब जो अलगाववादी और आतंकवादी है, जो देश को तोड़ने वाली बात की चर्चा करते हैं, जो ऐसे लोगों को सहकार्य करने की बात करते हैं, इसको मानव अधिकार के सामने रखते हुए उसको संरक्षण देना देश के साथ द्रोह होगा। ये काम नहीं होना चाहिए, इसके लिए भी उचित प्रबोधन हो ताकि इन अधिकारों का गलत इस्तेमाल न हो, इसकी भी चिंता हमने जरूर करनी चाहिए। मैं फिर से एक बार आपको बहुत बधाई देता हूँ। आज मैं काफ़ी व्यस्त हूँ, चाइना के एक मिनिस्टर और चाइना का एक डेलीगेशन मुझे मिलने के लिए बीजेपी कार्यालय में आकर पहुँचा है और मुझे वहाँ जाना है, और इसलिए मैं फिर से एक बार हमारी इस सभी कार्यकर्ताओं को, हमारे कन्वेनर को और हमारे प्रभारी जी को अनुरोध करता हूँ कि ये कार्य और ज़ोरों से आगे चलाए, और हमारे द्वारा जो हमारे ही विचारों में है, मैं ये नहीं मानता कि ये विचार कोई पाश्चात्य विचार दर्शन से हमको मिला है, हमारी संस्कृति विरासत और इतिहास इस बात का द्योतक है, और ये जो अंत्योदय का विचार हमको पंडित दीनदयाल उपाध्याय से मिला है, उसी के आधार पर इसके साथ इसका संबंध है, और आपने सही कहा है, तो हमारे विचारों के अनुरूप ही हम ये करते हैं और कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये कार्य और आगे चलता रहे। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, आपको धन्यवाद देता हूँ, और आप सब लोगों से क्षमा मांगते हुए मैं आपसे यहाँ जाने की अनुमति मांगता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने बहुत